हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट स्कॉट टी सेल थेरेपी। आखिर ये क्या थेरेपी है, क्यों न्यूज में था और आखिर इस यह कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। मंथ्स आफ्टर इंडियाज ड्रग रेगुलेटर गिव The green light for CAR T cell therapy, Dr. B.K. Gupta became one of the first patient to receive treatment. Next CAR 19 is India's first indigenously developed CAR T cell therapy. तो basically क्या है, इस CAR जो T cell therapy है, अब उसका India में commercial use का जो कह सकते हैं permission दे दिया गया है। और जब से इंडियाज के ड्रग रेगुलेटर ने इसे परमिट किया है, बीके गुप्ता, डॉक्टर बीके गुप्ता है जो कि फर्स्ट पेशेंट है विच रिसीव द ट्रीटमेंट थ्रू दिस कार्ट टी सेल थेरेपी। और इंडिया ने अपना जो एंडेजिनियसली डेवलप्ड यह थेरेपी किया है उसका नाम है नेक्स्ट CAR 19, इंडियाज फर्स्ट कार्ट टी सेल थेरेपी। नवंबर 2013 में The CDSCO, Central Drug Standard Control Organization, granted market authorization for next CAR 19 to the Immune Act. और नवंबर 2013 में जब CDSCO, Central Drug Standard Control Organization ने इसे market authorization grant किया था, उसके बाद से यह first patent है जिन्होंने इस कह सकते हैं therapy का use करके इन्हें ट्रीट किया गया है। अब हम इस बात करते हैं इस कार्ट टी सेल थेरेपी के बारे में कि आखिर एक्चुअली ये है क्या। तो कैंसर एक बहुत ही मेजर आप कह सकते हैं कि जो डिजीज है, डेथ कॉजिंग डिजीज है, हालांकि उसका अदर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल था, लेकिन जो अब ये टी सेल थेरेपी आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मेथोडोलॉजी बहुत ही न्यू है, उसी पर हम बात करेंगे कि आखिर ये व्हाट इज कार्ट टी सेल थेरेपी, क्या आखिर ये कार्ट टी सेल थेरेपी है क्या, कैसे यह वर्क करता है। तो बेसिकली इट इज अ रिवोल्यूशनरी थेरेपी दैट मॉडिफाई इम्यून सेल्स, स्पेसिफिकली टी सेल्स जो कि एक प्रकार का WBC सेल है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, बाय टर्निंग देम इनटू पोटेंट कैंसर फाइटर नोन एज कार्ट टी सेल। बेसिकली क्या किया जाता है, जो यह टी सेल है उनमें लैबोरेटरी में मॉडिफिकेशन किया जाता है और उन्हें चेंज किया जाता है ताकि वो कैंसर कॉजिंग सेल से फाइट कर सके। दैट्स व्हाई इसे कार्ट टी सेल कहा जाता है। दीज टी सेल्स आर स्पेशल सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स दैट फाइंड एंड फाइट इलनेस एंड इंफेक्शन, हुज प्राइमरी फंक्शन इज साइटोटॉक्सिक, मीनिंग इट कैन किल अदर सेल्स। बेसिकली जो टी सेल्स है वो एक प्रकार का स्पेशल व्हाइट सेल्स होता है जो कि इलनेस से, इंफेक्शन से फाइट करता है और जो अदर टॉक्सिक सेल्स है उसे किल करता है। और इसी में मॉडिफिकेशन किया जाता है इन लैबोरेटरी, और उसके बाद में जो मॉडिफाइड टी सेल होता है वह इंजेक्ट किया जाता है पेटेंट के बॉडी में, जो कि अदर जो इल्ड सेल है या इंफेक्शन वाले सेल्स है उसे वो किल करता है। कार्ट टी थेरेपी वी जेनेटिकली मॉडिफाई देम इनटू कैंसर फाइटिंग सेल्स, हम बेसिकली इसको मॉडिफाई करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं इन कैंसर फाइटिंग सेल्स। दिस सुपर चार्ज्ड सेल्स आर देन पुट इनटू बैक इनटू द बॉडी एंड दे गो आफ्टर कैंसर सेल्स, स्पेशली इन ब्लड कैंसर सेल्स लाइक ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमास। तो बेसिकली ये जो स्पेशल टाइप के जो ब्लड कैंसर होते हैं उसमें ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब इस पिक्चर के हेल्प से आप समझ सकते हैं कि आखिर यह कैसे पूरा इसका मेथोडोलॉजी वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इस ब्लड से जो आपका टी सेल है उसे रिमूव किया जाता है, पेटेंट के ब्लड से टी सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आफ्टर दैट इसे मेक कार्ट टी सेल इन द लैब, तब इसको लैबोरेटरी में मॉडिफाई किया जाता है, इसमें जीन इंसर्ट किया जाता है, कौन सा जीन, CAR जीन को इंसर्ट किया जाता है इस टी सेल में। देन यह जो टी सेल है वो कन्वर्ट होता है कार्ट टी सेल में केमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जो CAR आप जीन कह रहे हैं उसका फुल फॉर्म है केमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जो कि टी सेल में इंजेक्ट किया जाता है, तब वह टी सेल जो है
वह कार्ट टी सेल कहलाता है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई होता है इन ए लेबोरेटरी, देन दिस ग्रो मिलियंस ऑफ कार्ट टी सेल। और जब वह जेनेटिकली मॉडिफाई होता है तब वह खुद के जैसा और मिलियंस ऑफ अदर टी सेल्स को प्रोड्यूस करता है, एंड देन अगेन दिस इन कह सकते हैं मॉडिफाइड टी सेल और कार्ट टी सेल इन्फ्यूजन इन द पेटेंट्स बॉडी, और तब उसे फिर से इन्फ्यूज किया जाता है पेटेंट के बॉडी में, जो कि इन कैंसर कॉजिंग सेल्स को बेसिकली किल करता है। तो यह पूरा का पूरा एक प्रोसेस है कि पेटेंट के बॉडी से टी सेल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर उसे मॉडिफाई किया जाएगा। कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, तो उसमें जो CAR जीन है वह इंसर्ट किया जाता है टी सेल में। आफ्टर दैट वह मिलियंस ऑफ टी सेल्स उसी तरीके से बनते हैं, फिर वह पेशेंट के बॉडी में जाके इंजेक्ट होगा, और उसके बाद जो कैंसर कॉजिंग सेल्स है उसे किल करेगा, और यही प्रोसेस कहलाता है कार्ट टी सेल थेरेपी। अब हम बात करते हैं हाउ इफेक्टिव एंड डिफरेंट इज दिस फ्रॉम अदर कैंसर ट्रीटमेंट लाइक केमियोथेरेपी। बेसिकली केमियोथेरेपी पहले से था ही, लेकिन केमियोथेरेपी और इसमें काफी डिफरेंट है। दिस केमियोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी मे एड अ फ्यू मंथ और इयर्स टू कैंसर पेटेंट लाइफ, व्हाइल द सेल एंड जीन थेरेपी इज डिजाइन टू क्योर एंड प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग बेनिफिट। जो केमियोथेरेपी होता है वो कुछ महीने ऐड कर सकता है पेटेंट के लाइफ में, कैंसर पेटेंट के लाइफ में, बट ये जो है कि एक लाइफ लॉन्ग क्योर प्रोवाइड कर सकता है। इट मेक्स ट्रीटमेंट इजियर विथ अ वन टाइम थेरेपी, अनलाइक सेवरल सेशंस ऑफ केमियोथेरेपी। इट इज अ लाइफलाइन फॉर नॉन रिस्पॉन्सिव कैंसर पेशेंट, जिन पे केमियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी वर्क नहीं करता है उनके लिए एक लाइफलाइन है। और बेसिकली इसमें समय भी बहुत कम लगता है, 7 to 10 days का यह प्रोसेस होता है इसके पूरे एग्जीक्यूशन का। अब इसमें हम बात करते हैं व्हाट इज नेक्स्ट CAR-19, जो इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप्ड कार्ट टी सेल थेरेपी है। इज अ टाइप ऑफ कार्ट टी एंड जीन थेरेपी डेवलप्ड इंडिजिनियसली इन इंडिया बाई द इम्यूनो एक्ट, विच इज अ कंपनी इनक्यूबेटेड एट IIT बॉम्बे। This therapy is designed to target cancer cells that carry the CD19 protein. This protein act like a flag on cancer cells which allow CAR T cell to recognize and attach themselves to the cancer cells and start the process of elimination. So basically kya karta hai ki this therapy is designed to target cancer cells that carry the CD19 protein. Ki yeh process mein, is therapy mein jo waise cancer cells jisme CD19 protein hota hai उन्हें यह डायरेक्टली टारगेट करता है। इंडिया इज नाउ वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू हैव इट्स ओन इंडिजिनियसली कार्ट टी सेल एंड जीन थेरेपी प्लेटफॉर्म। और यह इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल पे डेवलपिंग कंट्रीज में यह एक ऐसा पहला कंट्री बना है जिनके पास खुद का कार्ट टी सेल थेरेपी है। अब बात आता है कि हु कैन गेट द नेक्स्ट CAR-19 थेरेपी, कौन कौन से लोग इसे यूज कर सकते हैं, कौन अवेल कर सकते हैं। तो दिस थेरेपी इज फॉर पीपल विथ बी सेल लिम्फोमास who did not respond to a standard treatment like chemotherapy leading to replace or recurrence of cancer. तो जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिस पे केमियोथेरेपी वगैरह वर्क नहीं करता है, तो वैसे पेशेंट जिनमें बी सेल लिम्फोनास टाइप का जो बेसिकली कैंसर्स होते हैं उनके लिए यह एक बहुत ही वरदान साबित है, लाइफलाइन है। बी सेल लिम्फोना इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट स्टार्ट इन व्हाइट ब्लड सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। Lymphocytes make antibodies which are proteins that help fight infections. They are often found in lymph nodes or other lymphoid tissue such as the spleen, जो कि spleen जो जिसे आप societal bag भी कहते हैं, उन उसमें ये सब पाए जाते हैं जहां पे यह जो therapy है next CAR-19 काफी ज्यादा effectively work करेगा। Essentially, patient only need to give a blood sample at their clinic and come back in 7 to 10 days for in re-infusion. जैसा कि जस्ट हमने फिगर में भी देखा कि पेशेंट के बॉडी से ही टी सेल निकाला जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसमें CAR जीन को इंसर्ट किया जाता है, फिर उसे re-infuse किया जाता है। So totally अगर कहें कि इसमें 7 to 10 days का जो total time period है वो लगता है, और जब यह टी सेल मॉडिफाइड किया जाता है तो फिर से उसी पेशेंट में उसे इंसर्ट किया जाता है, और बाद में यही जो मॉडिफाइड टी सेल होते हैं जाके कैंसर कॉजिंग जो सेल्स होते हैं उसे पेटेंट के बॉडी में उसे किल करते हैं। आफ्टर दैट हम बात करें साइड इफेक्ट ऑफ दिस थेरेपी, कि इस थेरेपी के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
नेक्स्ट CAR19 लीड्स टू सिग्निफिकेंटली लोअर ड्रग रिलेटेड टॉक्सिसिटीज. इट कॉजेज मिनिमल डैमेज टू न्यूरॉन्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अ कंडीशन नोन एज न्यूरोटॉक्सिसिटी. तो बेसिकली क्या है, यह जो थेरेपी है वह सबसे मिनिमल, ऐसा नहीं कहा जाता कि कंप्लीटली, बट मिनिमल डैमेज करेगा न्यूरॉन्स को, स्पेशली द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. बेसिकली न्यूरोटॉक्सिसिटी क्या होता है, तो इट इज अ कंडीशन कैन समटाइम्स अकर व्हेन स्कार्ट टी सेल रिकॉग्नाइज द CD19 प्रोटीन एंड एंटर द ब्रेन पोटेंशियली लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस. कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो CAR जीन इंसर्ट किया जाता है और अगर यह जीन ब्रेन के किसी पार्ट में या न्यूरॉन्स में CD19 प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर लेता है, तब वहां पे वो अटैक करता है, जिससे कि नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होने की संभावना रहती है. द थेरेपी ऑल्सो रिजल्ट्स इन मिनिमल साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम, CRS सिंड्रोम. अब ये क्या होता है, तो बेसिकली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड हाइपर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी ड्यू टू द डेथ ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्यूमर सेल्स एज कार्ट टी सेल्स आर डिजाइन टू टारगेट एंड एलिमिनेट द कैंसर सेल्स. बेसिकली क्या होता है कि इसके अटैक के कारण जब नंबर ऑफ सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन और हाइपर इन्फ्लेमेशन की संभावना होती है, जिसे हम लोग साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम भी कहते हैं. अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, तो चूंकि अभी नया इन्वेंशन है तो जो हम कह सकते हैं इसकी कॉस्ट जो है वो काफी हाई है. करेंटली द ट्रीटमेंट एट ए प्राइस ऑफ 30-40 lakh एंड द टारगेट टू कंपनी इज टू ब्रिंग डाउन टू 10-20 lakh. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी, यूज में आएगा, यूज टू हो जाएगा, तो इसके कॉस्टिंग में, अफोर्डेबिलिटी में सहूलियत आएगी. और ये इंडिया के लिए कि काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इनोवेशन रहा है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, और खासकर कैंसर कॉजिंग जो पेशेंट है जो झेल रहे हैं इतने सालों से, अब उनके लिए यह जो ट्रीटमेंट है वो काफी ज्यादा एक कह सकते हैं लाइफ लाइन के रूप में देखा जा रहा है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.